इंटरकन्ट्री इनकम डिफरेंसेस ये स्टूडेंट्स हमने ग्रोथ थ्योरीज का जब टॉपिक स्टार्ट किया था तो मैंने दो बेसिक क्वेश्चंस आपको बताए थे कि ग्रोथ थ्योरीज का एक बेसिक क्वेश्चन ये है जिसको वो आंसर करने की कोशिश करते हैं कि वर्ल्ड वाइड जो ग्रोथ हो रही है इकनॉमिक ग्रोथ हो रही है लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव हो रहे हैं इसके डिटर्मिनेंट्स क्या हैं okay. ओवर टाइम यानी जो इकोनमीज ग्रो करती हैं तो उसके डिटर्मिनेंट क्या हैं और दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों है कि कुछ कंट्रीज़ का ग्रोथ रेट ज़्यादा है कुछ का कम है यानी कुछ कंट्रीज अमीर होते जा रहे हैं और कुछ रेलिटिवली पोअर हैं तो इसकी रीजंस क्या हैं ग्रोथ थ्योरीज इसको कैसे इसको एनालाइज करती हैं और क्या इसका जवाब देती हैं तो आज हम सेकंड क्वेश्चन पर बात करेंगे कि इनकम कंट्रीज जो डिफरेंसेस हैं उनके बारे में ग्रोथ तो हमें क्या है Insight देते हैं पहला क्वेश्चन तो ये है कि हाउ डू द ग्रोथ थ्योरीज एक्सप्लेन ह्यूज इंटर कंट्री इनकम डिफरेंसेस कि जो इस वक्त एग्जिस्टिंग डिफरेंसेस हैं रिच एंड पुअर के दरमियान उसके बारे में ग्रोथ थ्योरीज हमें क्या बताती हैं करंट कंट्री डिफ्रेंसिज इन पर कैपिटल इनकम आर द रिजल्ट ऑफ नेगेटिव शॉक्स इन द पास्ट फॉर एग्ज़ाम्पल पास्ट वार्स आर कलोनील डोमिनेशन सोलो ग्रोथ मॉडल हमने पढ़ा उसके मुताबिक तो ये कि तमाम इकानमीज़ कन्वर्ट करेंगीट द स्टडी स्टेट लेवल ओके लेकिन नगेटिव शॉक्स की वजह से जैसे हमने यहाँ देखा कि हिस्टोरिकली कुछ इकॉनमीज़ में नगेटिव शॉक्स आए वार्स की वजह से या जैसे हमने अभी मैंशन किया कलोनीलिज़म की वजह से तो उसकी वजह से कुछ इकोनॉमीज अपने स्टेडिस्ट्रेट लेवल से पीछे हैं ठीक है और कुछ स्टेडिस्ट्रेट लेवल के करीब हैं तो उस वजह से उनके ग्रोथ रेट जो हैं वो डिफरेंट हैं ये इसकी रीज़न प्रोवाइड करते हैं ग्रोथ थ्योरीज और फ्यूचर के बारे में कि व्हाट डू दिस थ्योरीज प्रिडिक्ट अबाउट द फ्यूचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन आज तो डिफरेंसेस हैं रिच एंड पोअर में तो इन ग्रोथ मॉडल्स के मुताबिक फ्यूचर में क्या होगा क्या ये डिफरेंस बरकरार रहेंगे या ये डिफरेंस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे इसके बारे में ग्रोथ थ्यूरीज उनका आंसर क्या है कि इफ़ प्रोडक्शन फंक्शन सेविंग रेट्स एंड इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल वर द सेम अक्रॉस कंट्रीज अगर ये चीज़ें सब एक हो जाएंगी सब मुल्कों में एक जैसी हो जाएंगी और टेक्नोलॉजी को मूव फ्रीली अक्रॉस कंट्रीज बाउंड्रीज़ डिफरेंट कंट्रीज़ वनवर्ट टू द सेम स्टडी स्टेट लेवल के सेविंग रेट को बराबर करके ह्यूमन कैपिटल को बराबर करके और इस तरह से दीगर चीज़ों को बराबर करके और टेक्नोलॉजी की मूवमेंट को फेसिलिटेट करके पुअर और रिच कंट्रीज़ का जो डिफ्रेंस है उसको फ्यूचर में कम किया जा सकता अगर ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी एक दूसरे के करीब आ जाएंगी तो रिच और पुअर भी एक दूसरे के करीब आ जाएंगे ये जो सारी डिस्कशन है ये बेसिकली इसका फोकल पॉइंट ये है उसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस ऑफ कन्वर्जेंस कन्वर्जेंस का मतलब यह है कि पर कैपिटल इनकम लेवल अक्रॉस कंट्रीज विल टेंड टू कन्वर्ज ओवर टाइम कि तमाम मुल्कों का पर कैपिटल लेवल फ्यूचर में वो एक दूसरे के करीब आ जाएगा और एक हो जाएगा अल्टीमेटली एक हो जाएगा ये कैसे मुमकिन होगा ये ऑबवियसली इसी सूरत में मुमकिन होगा अगर पुअर कंट्रीज़ जो हैं उनका ग्रोथ रेट फास्टर होगा एज़ कम्पेयर टू द ग्रोथ रेट ऑफ द रिच कंट्रीज़ अगर दोनों इक्वल रेट पर ग्रो करेंगे तो उनका डिफरेंस बरकरार रहेगा रिच और पुअर का कांस्टेंट रहेगा अगर पुअर फास्टर रेट पर ग्रो कर रहे हैं रिच के मुकाबले में तो वो डिफरेंस उनका कम हो जाएगा और अगर रिच फास्टर रेट पर ग्रो कर रहे हैं और पुअर कंट्रीज जो हैं वो रेलेटिवली स्लो रेट पर ग्रो कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि इन दोनों का डिफरेंस फ्यूचर में और ज़्यादा बढ़ जाएगा तो कन्वर्जेंस का मतलब ये है कन्वर्जेंस हाइपोथेसिस की इम्प्लीकेशन ये है कि ये डिफरेंस कम होगा ये कंट्रीज़ इनकी पर कैपिटा इनकम कन्वर्ज करेगी कैसे कन्वर्ज करेगी कि पोअर कंट्रीज जो हैं वो रेलिटिवली फास्टर रेट पर ग्रो करेंगे और रिच कंट्रीज़ रेलेटिवली स्लो रेट पर ग्रो करेंगे और सोलो मॉडल की भी एक एक्चुअली इसी आइडिया को वो सपोर्ट करता है कि तमाम कंट्रीज़ कन्वर्ज करेंगे एम्परिकल क्या एविडेंस है इस हवाले से उसको स्टडी करने के लिए बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं एक सिंपल सी एक रिग्रेशन इक्वेशन है उसकी मदद से हम हाँ। उसको यूज़ किया गया और हम उसको समझ लेते हैं कि वो किस तरह से इस बात को स्टडी करते हैं इस इक्वेशन को अगर आप देखें साइड पर क्या है लॉग ऑफ वाई I टी वन ठीक है वाई आपकी पर कैपिटा इनकम है ओके okay. I कंट्री के लिए इंडेक्स है कि हमने कंट्रीज़ का डिफरेंट कंट्रीज़ का डाटा है और टी वन और सेकंड में है टी नाट ये हम दो टाइम पीरियड्स ले रहे हैं जीरो टाइम पीरियड और वन टाइम पीरियड ओके जीरो टाइम पीरियड में इसका मतलब क्या होगा कि ज़ीरो टाइम पीरियड में कंट्री आई के पर कैपिटा इनकम का लॉक और इसका मतलब है कि सेकंड जो टाइम पीरियड है जैसे हम टी वन कह रहे हैं उसमें उसकी इनकम का लॉक तो इस इन दोनों का डिफरेंस जो है ये आपको कंट्री आई का इस पीरियड के दरमियान में ग्रोथ रेट बताएगा लेफ्ट हैंड साइड पर क्या आप डिपेंडेंट वेरिएबल किया आपका ग्रोथ रेट ठीक है बिटवीन कौन से दो टाइम पीरियड्स हैं टी नॉट एंड टी वन और राइट हैंड साइड पर इसको हम किस को इस ग्रोथ रेट को किस पर रिग्रेस कर रहे हैं अल्फा कांस्टेंट और इसको हम रिग्रेस कर रहे हैं कंट्री आए का जो ज़ीरो टाइम पीरियड में इनकम लेवल है उस पर रिग्रेस कर रहे हैं प्लस टर्म तो ये सिंपल एक रिग्रेशन है आप इकोनोमेटिक्स के कोर्स में ये चीज़ें आप स्टडी करते हैं अब इसका मतलब क्या है अगर बीटा की वैल्यू इंपॉर्टेंट है हम इसको अगर बीटा जीरो है हम सिंपल केस से हम लेते हैं बीटा अगर ज़ीरो है तो इसका मतलब क्या है लेफ्ट साइड पर क्या बताया ग्रोथ रेट है ठीक है ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड जो हमने दो टाइम पीरियड्स लिए हैं जीरो एंड वन उसके दरम्यान में ग्रोथ रेट है तो अगर बीटा जीरो है तो ये ग्रोथ रेट किसके इक्वल आ जाएगा एल्फ़ा अल्फा अल्फा इज द कॉन्स्टेंट ठीक है तो क्या मतलब हुआ कि कोई भी कंट्री उसका इनिशियल इनकम लेवल का कम है या ज़्यादा है ठीक है वो एक कांस्टेंट रेट पर ग्रो कर रहे हैं यानी पुअर कंट्रीज भी उसी रेट पर ग्रो कर रहे हैं जिस रेट पर रिच कंट्रीज़ ग्रो कर रहे हैं तो इसकी इम्प्लीकेशन क्या होगी कि रिच और पुअर का डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट रहेगा बरकरार रहेगा अगर बीटा नेगेटिव है तो इसकी इम्प्लीकेशन क्या होगी नेगेटिव का मतलब ये है कि वो कंट्रीज जिनका इनिशियल पीरियड में इनकम लेवल हाई था उनका ग्रोथ रेट कम है एंड वाइस वर्सा, था ओके सो ये ये किस बात को सपोर्ट करेगा ये कन्वर्जेंस को इंडिकेट करेगा कि जो रिच कंट्रीज हैं वो रिलेटिवली स्लो रेट पर ग्रो कर रहे हैं बिकॉज बीटा नेगेटिव है इनकम इनिशियल इनकम के इंक्रीज करने से उसका जो ग्रोथ रेट उसका कम हो जाएगा बीटा नेगेटिव होने की वजह से और इनिशियली अगर वो इनिशियल पीरियड में अगर वो उनकी इनकम कम थी तो उनका ग्रोथ रेट फिर हाई होगा तो बीटा नेगेटिव कन्वर्जेंस को सपोर्ट करेगा और इसी तरह अगर बीटा पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि जिन मुल्कों की शुरू में इनकम हाई थी वो हाई रेट पर ग्रो कर रहे हैं और जिनकी कम थी वो कम रेट पर ग्रो कर रहे हैं तो ये तो फिर उसकी एक तरह से डाइवर्जेंस उनके उनके आपस के डिफरेंसेस को वो इंक्रीज कर देगा और एक और केस इसमें अगर बीटा की एक वैल्यू मैंने बताया नेगेटिव है तो ये कन्वर्जेंस को सपोर्ट करता है और अगर इसकी वैल्यू माइनस बने है तो ये एक तरह से परफेक्ट कन्वर्जेंस को इंडिकेट कर रहा है कि अगर ये माइनस है तो इसका मतलब ये होगा कि अगर आप इसको देखेंगे कि वट एवर इज द इनिशियल लेवल ठीक है फाइनली आपके पास क्या हो जाएगा कि अल्टीमेटली सब लोग एक सब मुल्क एक ही पॉइंट पर पहुंच जाएंगे राइट right? तो ये बीटा की नेगेटिव पॉजिटिव और वैल्यूज़ के हवाले से डिस्कशन थी तो इम्पेरिकल रिजल्ट क्या हुए बोमल ने एक स्टडी की 1986 में उसमें 16 इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ का डाटा उन्होंने जो अवेलेबल था रेडीली उसको उन्होंने यूज़ किया और टाइम पीरियड्स दो कौन से चूज़ किए इनिशियल टाइम पीरियड उन्होंने 1870 लिया और जो सेकेंड टाइम पीरियड उन्होंने लिया वो 1979 लिया तो इस अरसे के दौरान उनका ग्रोथ रेट लेफ्ट हैंड साइड पर ग्रोथ रेट आ गया और ये हमने रिग्रेशन रिजल्ट्स हैं रिजल्ट्स में इंपॉर्टेंट क्या बात है बीटा वन की जो वैल्यू है नंबर वन इट इज़ नेगेटिव नेगेटिव का मतलब बताया कि ये कन्वर्जेंस को शो कर रहा है नंबर टू इट इज़ वेरी इट इज़ आलमोस्ट वन माइनस वन पॉइंट नाइन नाइन फाइव तो ये अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये परफेक्ट कन्वर्जेंस को इंडिकेट कर रहा है और अगर आप इकानोमेटिक्स को रिकॉल करें तो इसकी स्टैंडर्ड पॉइंट ज़ीरो नाइन फोर है बहुत स्मॉल है इसका मतलब ये कि ये ये हम बहुत प्रिसाइजली इसको बीटा को हम मैय कर रहे हैं और आर स्क्वायर की वैल्यू भी पॉइंट एट सेवन इंडिकेट कर रहा है कि हमारा रिज़ल्ट की हेल्थ और उसकी क्या है कितना परसेंट वो एक्सप्लेन हो रहा है तो इसकी मदद से इस सैम्पल की मदद से ये जो रिज़ल्ट हैं ये कन्वर्जेंस को सपोर्ट कर रहे हैं सो ओके ये मैंने एक्सप्लेन कर दी बात राइट right. अब इसका ग्राफ की मदद से भी इस चीज़ को हम देख लेते हैं ग्राफ में भी वो जो 16 कंट्रीज़ थे तो उनकी ग्रोथ रेट वर्टिकल एक्सेस पर हमने लिया लॉग पर कैपिटा इनकम ग्रोथ और हॉरिजेंटल एक्सेस पर उनकी इनिशियल 1870 की जो इनकम थी वो लिए तो नेगेटिव रिलेशनशिप है नेगेटिवली स्लोप अगर वो हमारे पास आ रहा है इसका मतलब क्या है कि वो मुल्क जिनकी एटीन में पर कैपिटा इनकम कम थी ठीक है उनकी ग्रोथ रेट हाई है और जिनकी ज़्यादा थी उनकी कम है और इसके नतीजे में कन्वर्जेंस होगी लेकिन ये सैम्पल जो था ये एक बायस सैम्पल था कि इसमें सिक्सटीन जो कंट्रीज सेलेक्ट किए गए थे वो सारे के सारे इंडस्ट्रियलाइज कंट्री थी जब इस सैंपल को इनक्रीज़ किया गया इसमें और मुल्कों को शामिल किया गया तो वो जो उसका जो ग्राफ बना है वो ये वाला बना है। अब इसमें जो रिलेशनशिप नेगेटिव था वो जितना स्ट्रॉन्ग था पहले केस में वो अब उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा और बीटा की वैल्यू पहले तो आलमोस्ट माइनस वन थी वो आलमोस्ट हाफ रह गई कम होगी तो इसका मतलब ये है कि वो बेसिकली हमारे सैंपल कुछ इस तरह से हमने बाईस सैंपल था जिसने हमें वो परफेक्ट कन्वर्जेंस की एक पिक्चर हमारे सामने लाए थे और फर्दर जब इस सैंपल में और बहुत सारे दुनिया के मुल्कों को शामिल किया गया बहुत सैंपल को बढ़ाया गया तो वो जो कन्वर्जेंस वाली बात थी वो आलमोस्ट ख़त्म होगी इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि देर इज़ नो नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनिशियल इनकम एंड द ग्रोथ रेट्स ओके सो यहाँ से फिर जो बात सामने आई वो क्या कि कन्वर्जेंस जो अभी तक हमने बात की थी वो एक तरह से एब्सोलूट कन्वर्जेंस की बात की कि जी विदाउट एनी कंडीशन तमाम मुल्क जो हैं वो कन्वर्ज कर जाएंगे और लो इनकम वाले हाई रेट पर ग्रो करेंगे और हाई वाले लो रेट पर ग्रो करेंगे और वो कन्वर्ज कर देंगे लेकिन यहाँ से जो बात सामने आई कि कन्वर्जेंस जो है वो एपसोल्यूट नहीं है रादर इट इज़ कंडीशनल कन्वर्जेंस कंडीशनल कन्वर्जेंस से मुराद ये कि अगर उन मुल्कों के कुछ हालात एक जैसे होंगे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर उससे मुराद ह्यूमन कैपिटल ओके रूल ऑफ लॉ उस मुल्क में इंस्टीट्यूशंस की क्या सूरत हाल है रूल ऑफ़ लॉ की सूरत हाल क्या है प्रॉपर्टी राइट्स की सूरत हाल क्या है ये चीज़ें और इसी तरह से डिग्री ऑफ ओपननेस टू फॉरेन ट्रेड और इसी तरह से कुछ मैक्रो इकनॉमिक वेरिएबल्स ये चीज़ें अगर सिमिलर होंगी तब उनकी स्टडी स्टेट जो लेवल है वो सिमिलर होगा अगर ये डिफरेंट होगी तो फिर उनके स्टडी स्टेट लेवल ही डिफरेंट होगा हर मुल्क अपने स्टडी स्टेट लेवल पर तो आएगा लेकिन स्टेट स्टेट लेवल डिफरेंट होने की वजह से वो एक दूसरे वो कन्वर्ज नहीं करेंगे सो so, इसकी इम्प्लिकेशन फिर क्या हुई कि अगर हुकूमतें इस बात की कोशिश करें कि अपने इंस्टीट्यूशंस को इम्प्रूव करें रूल ऑफ लॉ को बेहतर करें सेविंग रेट को बेहतर करें और इस तरह से ह्यूमन कैपिटल को बेहतर करें जो सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस करें तो इसके नतीजे में देर इज़ द चांस के वो हायर इनकम ग्रोथ रेट को अटेन कर सकते हैं इंस्टीट्यूशनल चेंजेस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है जिसके नतीजे में जो स्टेडी स्टेट इनकम लेवल है वो डिटरमिन होगा फेवरेबल सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इट कैन पोटेंशियली लीड टू द हायर स्टेडी स्टेट इनकम लेवल इंस्टीट्यूशनल चेंजस में इकानमिस्ट जिसकी बात करते हैं कि रेंट सीकिंग एक्टिविटीज़ को डिसक्रेज किया जाए ठीक है और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को इनक्रेज किया जाए उसके नतीजे में मुल्क तेज़ी के साथ ग्रो कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच